Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I'll go to the class first. And your subject which we have started, that is science. Mr. Hashir, Mr. Munib and Mr. Abbas. And in that we have started unit number 2. We were discussing unit number 2. लेकिन अब कुछ काम है, उसको नोटबुक में लिखना है. ओके, सो यू प्लीज टेक आउट योर नोटबुक्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट. यू नो यूनिट नेम विच वी वर डिस्कसिंग, दैट वाज द एनिमल वर्ल्ड. वो एनिमल वर्ल्ड यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे. इट वाज यूनिट नंबर 2. Dear students, going to page number 15, question number 1 on page number 15 is, name the parts of the body, jism ke us hisson ka naam likhe, that help a fish to swim and to breathe. Jo fish ki swimming aur saans lene mein madad करती है. सो टू डेज बिफोर वी हैड डिस्कस्ड दिस. दोबारा से आपको बता देता हूं द आंसर. फिन्स, दीज आर द फिन्स. फिन्स हेल्प अ फिश टू स्विम. स्विमिंग में, तैरने में फिश की मदद फिन्स करते हैं. ठीक है. एंड गिल्स, दीज आर द गिल्स of the fish. Gills help the fish to breathe. जबकि gills जो होते हैं वो fish के सांस लेने में मदद देते हैं. Breathe का मतलब क्या है? सांस लेना. This we had written, okay? So ये अपने notebooks में लिखो, शाबाश. And going to next question number 2 on page number 15. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. ये पिक्चर्स आपको याद होंगे. नेम टू वाटर एनिमल्स डेट कॉन्ट ब्रीथ अंडर वाटर. वो दो वाटर एनिमल्स के नाम लिखो. उन दो वाटर एनिमल्स के नाम लिखो जो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते. सो याद है आपको, ये हम डिस्कस कर चुके थे. वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर द टू वाटर एनिमल्स. ये वेल्स हैं. दिस इज द वेल एंड दिस इज द डॉल्फिन. सो वेल्स और डॉल्फिन्स वो दो वाटर एनिमल्स होते हैं डेट कांट ब्रीथ अंडर वाटर, जो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते. ओके, इट्स वेरी इजी लेक्चर एंड वेरी शॉर्ट लेक्चर. जस्ट टू क्वेश्चंस. ओके, आई थिंक दिस इज द एंड. बहुत आसान लेक्चर हमने डिस्कस किया है. इनको नोटबुक्स में लिख के और एक दूसरे से पूछ के वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करो. ओके, थैंक यू, गुड बाय.